अरे तुझसे 1000 बार कह दी मैंने मैं खाना ना खाऊंगा। अरे वो तो पता, तू हमारी फिक्र करती है। जब घर पे रहते तो खाने को पूछती ना है। तू बालकन को खाना खिला दे, जब तक मेरे काम ना जाओ वहां से पहले मैं घर ना आऊंगा, समझी तू? हाँ अब तू फोन काट दे, असली काम मुसीबत है। घर पे चैन ना है, यहाँ चैन ना है। अरे बुल्लन का बात, कैसे परेशान हो, कैसे हाथ में ऐसे ऐसे फेंक रहा है यार? का बतावे भैया, ये लाइट वाले अपनी ऐसी तैसी ना मरावे, ज्यादा सा थोड़ी ना हो। बिजली दे रहे 24 घंटे में 4 घंटा, बीवी बच्चे घर पे सड़े जा रहे हैं, इतनी गर्मी है। चलो तुम्हारी बात से सहमत तो है, गर्मी बीवी बच्चा सड़े जा रहे हैं, बेगर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन क्या फसल हो जाए, धान सड़े जा रहे हैं, जाके का इंतजाम सोचो, कुछ ना सोचो तुमने। जाके मारे तो सवेरे 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, जैसी लाइट आवेगी तुरंत हमारे खेत में पानी चले, वो सबसे पहले तुम्हारे खेत में पानी चले वो। हाँ तुमसे पहले कम से कम 10 आदमी हमने लाइन लगाई, यहाँ देखो सबसे बाद के आदमी हमें तो तुम लाग रहे हो। 10 या 100, सबसे पहले हमारे खेत में पानी चले वो। तुम्हारे खेत में पानी चली जाएगा? हाँ चलो जाओ, तो राम जाने तुम्हारे में चलाएगा ना चलाएगा, हमें तो ना लागत। अब देखो हमारा भी खेत देख लियो, 70 बीघा खेत है, 20 मजदूर काम कर रहे हुए, समझे? अब देखो 10 मिनट हो गए हमें आ गए, और तुम बताइयो जो 10 मिनट के अंदर 3-4 मजदूर बैठ गए होंगे, और एक तो जब मजदूर रहते हराम खो रहे, तो मैं सही बताऊं मैं, समझे? काऊ को तो बीड़ी पीन जाने हैं, अब तुम बताओ एक मजदूर 4-4 फेरा हगन जाते हुए। जाके मारे तो हमने अपने खेतन में अकेले भरपाई करी। अब तुमने तो भैया कल ही भरपाई, समझे? हम चले अपने खेत में भैया, क्योंकि हम यहाँ आए गए हैं और 4-5 मजदूर हराम खोरी पर लग गए, कोई हगन हो और कोई बीड़ी पी रहे, हम तो चले और तुम्हारे खेत में पानी लग गया है। तो राम ही जाने, क्योंकि तुमसे पहले 20 आदमी लग चुके हैं, बदमाशी में चले गए पानी तो अलग बात है। सुनो भैया, चाहे चल जाए लाठी, चाहे चल जाए पत्थर, चाहे चल जाए बंदूकें, सबसे पहले हमारे खेत में पानी चले वो। देखो बुल्लन, तुम्हारे खेत में अगर पानी लग जाए तो जाने तुम्हारो भाग्य और जाने भैया राम, और तुम्हारे चक्कर में हम अपनी फसल खराब ना करेंगे, हम चले अपनो 70 बीघा खेत देखन। हेलो, तू एक काम कर, खाना ले को खेतन पे आ जा। हाँ हाँ, हम सवेरे से पहले घर ना पहुंचेंगे, रात भर यहीं रुकेंगे, तू खाना लेके आ जा जल्दी अभी। हाँ ससुरी पूरी आफत है। एक बात बताओ यार, तुम हम पर गाड़ी सुने हो का? अरे गाड़ी ना दे, क्या करें यार, हमारे गन्ना मागी लगी पड़ी है, जो खेत जुतो पर हो जमा कधार ला है बहु भाई। देखो मूड है हमारो बहुत खराब, गर्मी में कतई ऐसे समझ ले, उल्टे सीधी बात करियो मत। अरे यार तुम हमारे नातेदार लगते, जब जब गांव में आए तुम्हें मुर्गा से लेके हमने और पौआ से लेके सब व्यवस्था तुम्हारी करवाई कि ना करवाई? ना तो हम क्या करें, जा बताओ, तुम्हें फोन लगाओ तुम फोन उठाओ तो ना है, कोई बात हमारी सुनतना है। तुमने कल हमसे जा कही संजा के टाइम पे कि तुम्हें 12 घंटा बिजली मिलाई, 24 घंटा में से 4 घंटा आई बिजली, और 4 घंटा में 40 झटका लेवाने। अरे यार परेशानी कैसी ना है, तुम कैसी बात करते, पौध हमारी सूखी जात, गन्ना सूखो जात, हमारे सब पड़ोसी ने धान लहरा ठाणे, हमारो सारो खेतों में खाली जो जुतलो ना पा ढंग से। देखो भैया हमने 20 मजदूर बुलाए पीली 20 से, और 20 हमारी बनी बनाई खाते, कछु काम धंधो ना चल दो भाई, क्या करें तुम जा बताओ यार, तुम्हारी बात अब कब लो यकीन करें हम। तुम हम बालो दे दे, तुम्हें 12 दिन हुई है आज। अच्छा ऐसो है ना, अब हमने सुन ली तुम्हारी, समझिए तुम्हें सुनने ना है हमारी, तुम्हें बिजली देने ना है, मत दो ठीक है? ठीक, अब की तुम्हें चंदा करवाए हैं और तुम्हें पैसा दिबाए गाँव में से, तुम ट्रांसफार्मर धरना आवो, तार बदलना पाओ तो तुम्हें गाँव बांधने पैसे पैसा दिबा में, और बाकी बात तुम हमारे ही टाइम पर तुम्हारे लिए बिजली ना आए। अरे ठीक है यार, तुम फोन काट दो यार, काट दो। जम्मन कैसे फोन का गरम हो तुम यार? गरम यार का अर्जुन भैया, देखा तो गर्मी ऊपर से चढ़ी पड़ी दिमाग पे, गन्ना ऊपर से सूखो जाता है, धान की बात फसल हमारी जब बेड़ तैयार खाड़ी बेड़ो खराब हुई है, जो खेत देखा तो खेत में वह पानी ना ले पाओ। बात तो सही कहा तुम भैया, ऐसे समझो ऐसी स्थिति में है कि अगर जहर मिलिया तो जहर खाए के मर जाए हम, जा स्थिति कर दई हमारी बिजली वाले। तुम जहर खाए हुए बैठे उतर बैठे, बोले ना वो जा कहा तो होगी, हम सबसे पहले पानी लाएगा हमारे खेत में, जिन्होंने पहले नंबर लगाए, चाहे चल जाए लाठी चाहे चल जाए बंदूक, पानी लागा तो
बाकी खेतों में लागू पानी पहले हमारे माथे पे चूतिया लिखो का। आज 3 दिन हुई है रामशंकर भैया को बोले कि हमारे लिए कुआं मिलना चाहिए और आज गुबाए दो है, जैसे ही बिजली आवे पानी हमारे खेत में चलाएगो। देखो भैया तुम हमारे अपने आदमी और भुल्लन अपने आदमी, अब तुम दोनों चक्कर मार, हमारे 70 बीघा के मजूर साथ बैठे हुए हैं, तुम दोनों चक्कर 70 बीघा के अपने धान खराब ना करें, हम जाते हैं। यार एक तो तुम्हारा जो 70 बीघा को मैं मसला ना समझ माओ, तो ज्यादा जमीन हो आदमी गुणा गाँव तरह तो बाकी 70 बीघा 70 बीघा तो जा सारे बोलना देख ले हम जाके लली की चांद मारा जाने दिमाग खराब करके धद्दा हुआ। ससुरा ट्रांसफार्म तो बिल्कुल सही है, लाइट काहे नहीं आ रही, कहाँ दिक्कत का ट्रांसफार्म फुकियो का। अरे ना जम्मन भैया, हाँ ट्रांसफार्म तो सही है, ससुरी लाइट नहीं आ रही है। अरे यार लाइट तो नहीं आ रही, जा मैं कौन सी नई बात है। अच्छा बस बात करी सारो 12 दिन से हिलगाए है लालवेन से, और का क्या कह रहा हो। कह रहा कल भेजेंगे अब भेजेंगे कल भेजेंगे अब भेजेंगे जय बात लगाए पर हो। ससुरी जिंदगी झंड है जम्मन भैया। यार एक दिन हो दो दिन हो रोज जाए बात सुनने को मिलते, आज बत्ती आई है कल आई है, दुनिया भरे को मुर्गा बकरा हो पौआ सब चिरवा फेंक दो। जम्मन भैया जिंदगी झंड है ससुरी पूरी। झंड की बातें मत करो भैया, हमारे गन्ना में खेत में कतई आग लगी पड़ी है, सबके गड़िए धान हमारे खेत में वह कंधार ना भाव है। अच्छा हाँ ससुरा हमारा भी यार पूरा धान सो के पड़ गए हैं। यार तुम्हारे गड़ तो गए, क्या फायदा ऐसे गड़ने से, सूख तो जा रहे हैं ना सारे। अरे लगी आएगा 2 दिन के बाद पानी, अब हमारी समस्या ज्यादा है, हमने 20 मजूर बुला ले बहरा से यार, पीली 20 से लखीमपुर खीरी से हरदोई से पता ना कहाँ कहाँ से वो आदमी ठेकेदार इकट्ठे करके लाओ सबको, और पूरे 20 दिन हुई है रोटी तोड़ कर आए। सही में हमें भी 4-5 दिन हो गए घर पे रोटी तोड़ते हुए पे, क्योंकि ऐसा है आज सवेरे 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट बिल्कुल आई ना है, मेहरारू बार बार कॉल कर रही है हमें खाना खा लो हम घर तक ना गए खाना। अरे तो तुम चूतिया हो यार खाना खाए होते ना, यहाँ तो आज 4 दिन से भाग रहे हैं, खाना फोन करके मंगा लो यहीं पर। रामशंकर भैया से रोज संजा के मिलते जाएगी कि कुआं हमें पहले दियो कुआं हमें पहले दियो, क्योंकि 4 जने और लाइन में लगे। हाँ सुना तो था हमने, लेकिन हमने रामशंकर भैया से बात कर ली पहले, रामशंकर भैया कह रहे तुम आओ सवेरे जल्दी, जैसी लाइट आ जाएगी तुरंत तुम्हारे खेत में पानी चलवा देंगे। अब बात का उनसे कहा कि हमारे बात सीधे भुल्लन के पे चला दो। अरे ना पहली हमारी बात हुई, उन्होंने बोला तुम सवेरे से आ जाओ, सबसे पहले जैसी लाइट आई तुरंत तुम्हारे खेत में चलवा देंगे, बाकी बात सबके खेत में चलवा देंगे। यार कैसे अजीब आदमी है यार भुल्लन, हम 4 दिन से उनके जोरे चक्कर लगा रहे। अरे क्या बात करो 8 दिन से हम लगा रहे। भैया देखो बात हुई है खराब, झूठ बोलो मत, कतई है न पाए। कैसे बात खराब, रामशंकर भैया ने पहले बोल दिया सवेरे आ जाना, सबसे पहले तुम्हारे खेत में लगवा देंगे जैसी लाइट आ जाएगी। तो हम तुमसे काजा रामशंकर भैया को साइड में रखा, हम तुमसे काजा हमारे में से हटे और तुम लगा लियो तुरंत अपने। अरे हमारे घर पे मेहरारू नन्हे नन्हे बच्चे घर पे अकेले हैं, तुम बात को समझो हमारे समस्या समझो हमारी। अरे यार हमने समझ ली बात, पहले हमारे में चलाएगो। ऐसे कैसे चलेगा, पहले चलाएगो हमारे। जम्मन मूड खराब मत करो हमारा समझो, अब सवेरे से बैठे खाना। मूड खराब हमारो लाइन मैंने अलग से मूड खराब कर दो आज, समझ रहे हो हमारे और खिलाओ मुर्गा मुर्गा सब मुर्गा की तरह तुम्हें हम पनाए देंगे। आयो भूल में जम्मन मूड खराब करो, बाढ़ का फोड़ा उसी से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत ही तुम फौरे मूड फोन लगे तुम्हारी काट दें हम फौरे। जम्मन अली चांद मारा सारे, ये तो है हम खेत है बर्बाद, आज लाठी तोड़ देंगे तेरे ऊपर, हम काट फोड़ो मार देंगे, पहले हमारे धान में लगे हम काट देंगे। तू मानेगा सारे धान है बर्बाद, धान है बर्बाद, धान है बर्बाद, हट जा जा सारे छोड़ दे आज हमारे धान सूख जा रहे हैं तो सुनो पहले हमारी बात, बोरिंग है खराब 10-12 दिन लगेंगे सही होने। क्यों लाइट ही नहीं आ रही भाई, चक बन के चल भले धान भले धान सारे जा रामा दगर भैया